हेलो दोस्तों, आप सभी का हम अपने चैनल पे वेलकम करते हैं। अगर आप जीके जीएस और करंट अफेयर्स के बेस्ट प्रैक्टिस सेट को पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। बहुत सही आपने वीडियो खोला है और हर दिन हम आपके लिए ऐसे ही सेट लाते रहते हैं हर एक दिन। तो अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, एक अच्छा सेट हर दिन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पहले क्वेश्चन में जो पूछा गया है, देखिए इसमें है घरौंदा किस चीज़ का बना होता है। आपको बताना है घरौंदा किस चीज़ का बना होता है, बालू, सीमेंट, पत्थर या फिर मिट्टी का बना होता है। आपको बताना है घरौंदा किस चीज का बना है होता है। इन चारों विकल्प में से सही उत्तर आपको बताना है। इसमें डी वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा क्योंकि यह मिट्टी का बना होता है। मकर संक्रांति के दिन क्या नहीं खाया जाता है, मकर संक्रांति के दिन क्या नहीं खाया जाता है आपको बताना है। खिचड़ी, दही चूड़ा, तिलकुट या फिर पुआ। आपको बताना है मकर संक्रांति के दिन क्या नहीं खाया जाता है। इन चारों विकल्प में से जो सही उत्तर है वो आपका डी वाला है, पुआ नहीं खाया जाता है। इसलिए डी वाला जो विकल्प है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है माँ के भाई को क्या कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी बीच में आ गया, ये तो जीके जीएस का नहीं है लेकिन आप फिर भी पढ़ लीजिए। माँ के भाई को क्या कहा जाता है, वो तो मामा कहा जाता है, ये सभी जानते हैं, शायद आपको भी पता हो मामा ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाठ पत्ता हूँ मैं हरा भरा में किस पत्ते की बात नहीं की गई है। ध्यान दीजिएगा, पत्ता हूँ मैं हरा भरा में किस पत्ते की बात नहीं की गई है, पीपल, आम, पुदीना या फिर गूलर। आपको बताना है इसमें से सही विकल्प कौन सा होगा। इसमें डी वाला बिल्कुल सही है, गूलर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैग लाइन क्या है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है, ब्राइट बिहार, हम सबका बिहार, ब्लिसफुल बिहार या फिर बिहार इज द बेस्ट। आपको बताना है इसमें से सही उत्तर कौन सा है। चारों विकल्प आप देख लीजिए, अगर आपको ये लगता हो कि मैं आंसर जल्दी बोल देता हूं तो आप बीच बीच में वीडियो रोक सकते हैं। फिलहाल इसमें आप ध्यान दीजिए, सी वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा, ब्लिसफुल बिहार इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है पादरी की हवेली किस धर्म से संबंधित है। पादरी की हवेली किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म या फिर ईसाई। इन सब में से सही उत्तर कौन सा है आपको बताना है। पादरी की हवेली किस धर्म से संबंधित है, तो इसमें जो डी वाला विकल्प है ईसाई से संबंधित है, इसलिए डी वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। आपको बताना है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, पटना, गया, औरंगाबाद या फिर वैशाली। आपको बताना है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो इन चारों विकल्प में से जो सही उत्तर है वो आपका सी वाला है क्योंकि यह औरंगाबाद में है, इसलिए सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, 1916 में, 1917 में, 1920 में, 1922 में। इसमें से सही उत्तर जो है वो आपका बी वाला है क्योंकि यह 1917 में हुई थी, इसकी स्थापना 1917 में हुई थी, इसलिए बी वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है पादरी की हवेली कहाँ अवस्थित है। ध्यान दीजिएगा, पादरी की हवेली कहाँ अवस्थित है, पटना में है, गोपालगंज में है, बक्सर में है, इनमें से कोई नहीं। इसमें से सही उत्तर कौन सा है या कहाँ स्थित है, ये पटना में है, इसलिए ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लछुआर किस धर्म से संबंधित स्थान है और कहाँ अवस्थित है। लछुआर किस धर्म से संबंधित स्थान है और कहाँ अवस्थित है, बौद्ध धर्म गया, सिख धर्म वैशाली, हिंदू धर्म पटना, जैन धर्म जमुई। आपको बताना है इसमें से सही उत्तर कौन सा है, दोनों इसमें से जो सही उत्तर है आपको बताना है। इन सब में डी वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा, जैन धर्म जमुई इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है सेंट जोसेफ चर्च कहाँ स्थित है। सेंट जोसेफ चर्च कहाँ स्थित है, पटना, राजगीर, वैशाली या फिर गोपालगंज। तो इस सब में से इन चारों विकल्पों में से सही उत्तर कौन सा है आपको बताना है। सेंट जोसेफ चर्च कहाँ स्थित है, ये जो है पटना में स्थित है, इसलिए ए वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा, पटना इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हसन की मजार कहाँ अवस्थित है। हसन की मजार कहाँ अवस्थित है, रोहतास, भभुआ, भागलपुर या फिर पटना। आपको बताना है हसन की मजार कहाँ अवस्थित है, तो इन सब में से जो सही उत्तर है वो आपका ए वाला है, रोहतास इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा
कहाँ अवस्थित है, गुरुद्वारा, गुरु सिंह सभा कहाँ अवस्थित है, गया, जमुई, सिवान या फिर इनमें से कोई नहीं। गया, जमुई, सिवान या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इन सब में से सही उत्तर कौन सा है आपको बताना है। इन सब में जो ए वाला विकल्प है बिल्कुल सही होगा, गया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया। महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया, 2001 में, 1999 में, 2002 में या फिर 2010 में। तो इन सब में से सही उत्तर जो है वो आपका कौन सा है बताना है। तो इसमें सी वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा, 2002 में शामिल किया गया, इसलिए सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेविस कप का संबंध किससे है, डेविस कप का संबंध किससे है आपको बताना है, क्रिकेट, बैडमिंटन, लॉन टेनिस या फिर भारोत्तोलन। तो आपको बताना है डेविस कप का संबंध किससे है। इन चारों विकल्प में से जो सही उत्तर है वो आपका सी वाला है, क्योंकि इसका संबंध लॉन टेनिस से है, इसलिए सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, सबा करीम का संबंध किस खेल से है, सबा करीम का संबंध किस खेल से है, हॉकी से, क्रिकेट से, लॉन टेनिस से या फिर शतरंज से। इन चारों विकल्प में से सही उत्तर कौन सा है आपको बताना है, सबा करीम का संबंध किस खेल से है, तो इसका संबंध क्रिकेट से है, इसलिए बी वाला उत्तर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सुखदेव सिंह का संबंध किस खेल से है, सुखदेव सिंह का संबंध किस खेल से है, भारोत्तोलन से, एथलेटिक्स या फिर टेनिस या फिर हॉकी। इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा, सुखदेव सिंह का संबंध जो है वो भारोत्तोलन से है, इसलिए ए वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा, इसको ध्यान रखना होगा आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेत समाधि उपन्यास की रचना किसने की है, रेत समाधि उपन्यास की रचना किसने की है, मन्नू भंडारी, चेतन भगत, अरविंद अडिग या फिर गीतांजलि श्री। तो इसमें से सही उत्तर आपको बताना है, रेत समाधि उपन्यास की रचना किसने की है आपको बताना है, इसमें डी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 20 जून, 21 जून, 22 जून या फिर 23 जून को। तो ये जो है कब मनाया जाता है, एकदम जनरल क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है, इसमें बी वाला विकल्प सही होगा, क्योंकि ये 21 जून को मनाया जाता है। आपको बताना डॉट डॉट सोर्स कोड को मशीन से पढ़ने योग्य कोड में क्रमवार बदलता है कौन, जो है इसमें से जो नीचे ऑप्शन दिया गया इसमें से कौन सोर्स कोड को मशीन से पढ़ने के योग्य कोड में क्रमवार बदलता है, रजिस्टर, कंपाइलर, कैश मेमोरी या फिर इंटरप्रेटर। आपको बताना है इसमें से सही उत्तर कौन सा है, इन चारों में से जो आपका बी वाला विकल्प है बिल्कुल सही होगा, इसको ध्यान रखना होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, निषिद्ध शहर की संज्ञा किसे दी जाती है, निषिद्ध शहर की संज्ञा किसे दी जाती है, ल्हासा तिब्बत को या फिर बीजिंग को या शंघाई को या फिर सियान को। आपको बताना है निषिद्ध शहर की संज्ञा किसे दी जाती है, तो इसमें जो सही उत्तर है वो आपका ए वाला है, ल्हासा तिब्बत को दिया जाता है, इसलिए ये वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। 2G स्पेक्ट्रम में, अगले क्वेश्चन में है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द से संबंधित है। आपको बताना है जी शब्द किससे संबंधित है, आपको बताना है किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, वो ग्लोबल, गवर्नमेंट, जनरेशन या फिर गूगल। आपको बताना है इन चारों विकल्प में से सही उत्तर कौन सा है। तो इन सब में से जो आप जनरेशन देख रहे हैं सी वाला विकल्प जो है वो बिल्कुल सही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, माउस है, माउस क्या है, मेमोरी है, सीपीयू है, इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है। तो ये तो बहुत जनरल क्वेश्चन है आजकल, ये तो सब जानते हैं कि यह एक इनपुट डिवाइस है, इसलिए सी वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कौन कहलाता है, आपको बताना है भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है, रघुनाथ मासेल कर, विजय भाटकर, जयंत नालिकर या फिर नंदन नीलेकणी। आपको बताना है इसमें से सही उत्तर कौन सा है, नीलेकणी है, इसमें आपको बताना है सही उत्तर कौन सा है। इन चारों विकल्प में से आपको बताना भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है, तो इसमें जो आप बी वाला देख रहे हैं विजय भाटकर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन WWW का आविष्कारक माना जाता है, WWW देखिए साइट पे आगे लिखा होता है, तो इसके आविष्कारक कौन है, एडवर्ड केसनर या फिर बिल गेट्स या फिर टिम बर्नर्सली या फिर विनोद धाम। आपको बताना है कि WWW का आविष्कारक कौन है, तो इसमें सी वाला जो विकल्प देख रहे हैं टिम बर्नर्सली इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई चुनिए। आपको बताना है सबसे न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई क्या है, केबी है, एमबी है, जीबी है या फिर टीबी है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इतनी जानकारी तो अब सबको रहने लग गई है कि इन चारों विकल्प में से सबसे छोटी इकाई क्या है, केबी है। इसको ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर हर दिन इसी तरीके से एक अच्छी तैयारी आप करना चाहते हैं तो हर दिन हम ऐसे ही सेट आपको देते रहते हैं। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। धन्यवाद।